केलवा में बेटियों की अनूठी पहल, मिट्टी के इको फ्रेंडली गणपति बनाए। राजसमंद जिले के केलवा गांव में महिलाओं और बेटियों ने इस वर्ष गणपति महोत्सव के दौरान प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का बहिष्कार करते हुए उसके प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से काली मिट्टी की मूर्तियां हाथों से बनाकर पूजन करने और विसर्जन करने का निर्णय लिया है। इसके लिए केलवा के स्वच्छ केलवा हरित केलवा अभियान के तहत 15 बेटियों की ने पास के कुएं से काली मिट्टी लाकर छोटी छोटी सुंदर गणपति की मूर्तियां बनाई हैं। ये मूर्तियां बनने के बाद अब रंग रोगन किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी को लेकर इन्हें स्थापित कर 10 दिन तक इनकी पूजा की जाएगी। इसके बाद अनंत चतुर्दशी के दिन इन मूर्तियों का विधि विधान से विसर्जन किया जाएगा। संगठन का यह उद्देश्य है कि गणपति महोत्सव को प्रदूषण से मुक्त रखा जाए, जिससे त्यौहार की गरिमा भी बनी रहे और हाथों से बनी मूर्ति में भावनात्मक जुड़ाव भी बना रहे। बेटियां यह संदेश जिले सहित प्रदेश भर के अन्य लोगों में भी देनी चाहती हैं कि POP की मूर्तियों का चलन बंद हो जाए, साथ ही अच्छी मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों को बढ़ावा मिले, यह उनके रोजगार का साधन भी बन सकें। इन्होंने प्रशासन से भी मांग की है कि इसे बढ़ावा देकर अधिक से अधिक लोगों को मिट्टी की मूर्तियां बनाने की ट्रेनिंग दी जाए। स्वच्छ केलवा हरित केलवा संगठन के अध्यक्ष लालू राम सिंदल लगातार प्रयास करते हुए इन बेटियों के लिए संसाधन जुटाने और तकनीक मदद के प्रयास कर रहे हैं। आइए अब जानते हैं अध्यक्ष लालू राम सिंदल के साथ ही यह मिट्टी की मूर्तियां बनाने वाली रिचिका सुतार, मीना धोबी व मीना रजक से जानते हैं उनके अनुभव। मेरा नाम रिचिका सुथार है और मैं स्वच्छ केलवा हरित केलवा की सदस्य हूँ और हमने इसी टीम के तहत गणपति बनाए हैं मिट्टी से, जिसमें हमने हाथों से बनाए हैं कि जब गणपति स्थापना करेंगे उसके बाद इसको जब मिट्टी में विसर्जित करेंगे तो पानी वगैरह कुछ गंदा नहीं होगा। और हमने सबको मोटिवेट किया है कि आप भी इसी तरह मिट्टी से गणपति बनाएं, जिससे कि इको फ्रेंडली उसे गणपति बनाएं और आप भी इसी तरह बनाइए जिससे कि पानी दूषित ना हो और पानी स्वच्छ रहे। मेरा नाम मीना धोबी है और हमने स्वच्छ केलवा हरित केलवा टीम की ओर से सभी ने हमने ये हाथ मिट्टी के गणेश जी बनाए हैं और मिट्टी के गणेश जी बनाए और ताकि हम पूजन पाठ करते हैं और नौ दिन तो इसी गणेश जी के हम पूजा करते हैं और इससे क्या विसर्जन करने से पानी भी प्रदूषण नहीं होगा और सबके लिए प्रदूषण ही नहीं फैलेगा। और हम सब ने मिल के बहुत जनों ने इसे मिट्टी के बनाए और हमें वो इंटरेस्ट है कि हमने हाथ से अपने गणेश जी बना के हम पूजा करेंगे। आमतौर में लोग ऐसी मूर्तियां बाजार से खरीद के लाते हैं और बिठाते हैं, आपने हाथ से बनाए? हमने हाथ से बनाए, आमतौर से सब जने खरीद के ला के पूजा करते हैं और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने अपने हाथ से बनाया। मेरा नाम मीना रजक है, मैं स्वच्छ केलवा हरित केलवा की सदस्य हूँ। इस सदस्य के सभी मेंबर ने मिलाकर लगभग 11 मिट्टी की गणेश जी की मूर्तियाँ बनाई हैं। ये मिट्टी काली मिट्टी से निर्मित है और इन्हें हमें अपने हाथों से बनाए क्योंकि हम जो मार्केट से लेकर आते हैं, बाजार से लेकर आते हैं, उसमें कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं, जिससे क्या जब उनका विसर्जन करते हैं तो उस समय क्या वो केमिकल जो पानी में जाता है उससे वो पानी जैसे पशु पक्षी वगैरह पीते हैं तो दूषित हो जाता है, जिसके कारण क्या है कि अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी जो भी गणपति जी बिठाना चाहते हैं वो हाथों से बनाएं। हाथों से बनाने के कारण एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है अपना और उनको जो हम आकार देते हैं वो बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो ये बना तो बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लालू राम सिंदल, अध्यक्ष स्वच्छ केलवा हरित केलवा। जिस प्रकार गणेश जी का महोत्सव पूरे महाराष्ट्र प्रदेश में मनाया जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में राजस्थान आसपास सभी राज्यों में मनाया जा रहा है और हमारा यही उद्देश्य है कि आप जहाँ पे भी गणपति महोत्सव हो वहाँ पर मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ ही प्रयोग में लाए। अगर अपन मिट्टी से बनी हुई मूर्तियाँ प्रयोग में लेंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। POP की मूर्तियाँ अगर अपन लेंगे तो जिससे जो पानी होगा जो प्रदूषित होगा, अपन खुद पिएंगे तो अपन को कैंसर होगा, जीव जंतु पिएंगे तो उनको भी नुकसान होगा। तो हमारा सरकार से और सभी से निवेदन है कि आप
मिट्टी से बनी हुई मूर्तियों के लिए आप इनको रोजगार के लिए प्रेरित करें, जैसे स्किल डेवलपमेंट भी इनसे होगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इसी के तहत हमने केलवा ग्राम से यह कार्य प्रारंभ किया है। इस पर हमने 15 महिलाओं ने अभी तक 15 मूर्तियां बनाई है और सभी महिलाएं ये मूर्तियां बनाकर अपने अपने घरों पर स्थापित करेगी और आने वाले अनंत चतुर्दशी पर इनका विसर्जन करेगी। जो ये मूर्तियाँ अगर पानी में विसर्जित होगी और मिट्टी वापिस पानी में घुल जाएगी तो इससे न तो कोई प्रदूषण होगा न कुछ होगा। नंदन ग्रैंड नाथ द्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5-स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5-स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथ द्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।